अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मेरी नाइट टूर्नामेंट की मैच है, तो अभी उधर ही जाने वाला हूँ मैं। तो कपड़े चेंज करते हैं, किट कर लिए भाई, अभी चलते हैं मैच पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से हमने जो हम मैच खेलने गए थे बैटिंग, तो देख लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करवाई है। हमने भाई 8 ओवर्स में 150 का टारगेट दिया था, 6 ओवर में 100 स्कोर था। माशाल्लाह पहले बल्लेबाजों ने भी बहुत ही ज़बरदस्त खेला। आपका भाई पीछे 2 ओवर में गया है, फिर 50 लेकर आया। मैंने 50 नहीं लगाया, जो 7 था उसने भी स्कोर लगाया है। तो मैंने 8-9 गेंदें खेली हैं जिसमें 6-7 बाउंड्रीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग भी की हमारे बॉलर्स ने, उनको सिर्फ मतलब 60-70 स्कोर करने दिया। तो मैच आपके भाई लोग जीत चुके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम भाई अभी हो चुका है, लाइट नहीं है, 12:36। तो लाइट नहीं है अभी, तो फ्लैश लाइट पर ही गुजारा कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह तहरी में। A few moments later. 3:35 और भाई आपका अब तक नहीं सोया। 1 बजे लेटा बेड पर, नींद 2 बजे तक नहीं आई। लाइट नहीं थी, 1 बजे 2 बजे आती है, तो 2 बजे लाइट आई है। फिर व्लॉग एडिट किया है, अभी 3:30 बज गए हैं, सहरी का वक्त भी हो गया है। तो पहले साजिद को खाना देकर आते हैं, फिर खुद की सहरी करते हैं। गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी 2:30 बज रहे हैं, जोर नमाज पढ़ कर आया हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि गर्मी अच्छी खासी है, तो आज भाई आज का जो सीन है कि आज मैंने करवानी है दोस्तों को इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सोया ही हुआ था कि अब्बू गोश्त वगैरह लेकर आए हैं। अभी मैंने जाना है, तरबूज लेना है, दही लेनी है रायते के लिए, और एक दो और चीज़ें वो लेनी है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैंने रुमाल खा लिया है। दोस्तों की इफ्तारी भाई रेडी हो चुकी है, रायता बिरयानी के लिए। बिरयानी भी दिखाते हैं आपको, ये रायता, तरबूज और ये कुछ और भी फ्रूट हैं 3-4, साथ ये कोई जूस है। और सारी गेम तो भाई इसकी है, बिरयानी। जिन दोस्तों के भाई इफ्तारी कर रहा हूँ वो अभी आ रहे हैं, ये सारा सामान उधर लेकर जाएंगे। एक जगह है जहाँ पर बैठकर इफ्तारी करेंगे। भाई इफ्तारी करने के बाद मैं वापस घर आ चुका हूँ, अभी चाय रेडी हो चुकी है भाई, तो चाय पियेंगे। दोस्त हैं हमारे सैयद तकीशा साहब, वो सखर के हैं, मतलब यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है वहाँ। तो अभी वो वैसे चाय चाय पीते हैं डेली 7 को, लेकिन आज ईद की छुट्टियों पे उन्हें घर जाना था,
तो वो चले गए घर, अल्लाह पाक खैरियत से उन्हें पहुँचाएं। मैं घर आ चुका हूँ, भाई वाले चले गए हैं, अभी तक भाई चांद नज़र नहीं आया। मुझे तो लगता है ये 12 बजे फिर इनको नज़र आ जाएगा चांद, तो इंशाल्लाह 30 रोज़े पूरे होंगे। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आबिद हुसैन व्लॉग्स में ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं कल एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Oh.